मेरा नाम है चमन कोहली, रजौरी गार्डन की कोहली फैमिली का बड़ा बेटा। तो मंडे टू फ्राइडे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी का लेक्चरर हूँ, पर सैटरडे संडे एक 30 साल का एलिजिबल बैचलर। तो हर संडे की तरह आज भी मैं और मेरा पूरा परिवार मेरे रिश्ता देखने आए थे। हुआ बस ये कि मैट्रिमोनियल फोटो कुछ 5 साल पुरानी थी। ये जो गालियां देकर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक 15 मिनट पहले कोहली परिवार की चाटने पे लगे हुए थे। कमाल है, माता रानी का नाम लेकर के शुरू कीजिए बातचीत, आगे बढ़ाइए। बेटा आप क्या करते हो? ये व्हाट्सएप करता है। वो तो हम सारे ही करते हैं। ये लो जी, ये है मेरी छोटी बेटी। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे। बेटा ये कोहली फैमिली है और ये इनका बेटा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, आ जा। और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये उसका बेटा। बेटा चलो भैया को नमस्ते बोलो, शाबाश शाबाश बेटा। क्या नाम है बेटा? बिट्टू। फोटो दिखाने ने हीरो वर्गी और मुंडा निकला टकलू। तेरी पहनू अंकल। ये है मेरा छोटा भाई गोल्डी। वैसे तो फुल टाइम आवारा है, पर फॉर्मेलिटी के लिए एमए कर रहा है। एमए क्या, बस एमए ही कर रहा है। गोल्डी बस कर यार, तू क्या कह रही है? क्या ले अपना समोसा डालने वाला बुड्ढे। और ये है पापा कोहली, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क। पिछले 5 साल से मेरी लड़की ढूंढते ढूंढते इनके खुद के बाल सफेद हो गए। बुड्ढा तू और तेरा मुंडा टकलू। अच्छा कभी खुद की शक्ल नहीं देखी आईने में? पूरा मैदान साफ है गुड्ढे। और ये है मेरी मम्मी। दुनिया माने ना माने, पर इनकी नजरों में मैं आज भी बहुत हैंडसम हूँ। 50 रिजेक्शनों के बाद अब तक हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। गंजा गंजा गंजा, बदतमीज है तुम सारे, तू बदतमीज है तू। आप ना भाई साहब ऐसे घटिया रिश्ते दिखाने के लिए मत लेके जाया। सच्ची शक्ल से ना गुंडे बदमाशों का परिवार लग रहा था। ऐसी बात नहीं। अच्छा है, बच गया मेरा बच्चा। इतने लोगों को जानते हैं, कोई तो होगा। ये क्या है? कौवे की है या कबूतर की? क्या टट्टी? ये कोई बात है बोलने की? सच्ची टट्टी है, देखो ना। ओ समझ गई मैं, आना रजनी का काम है। टट्टी कमाल कर रहे हैं आप। रजनी रजनी हाँ बेटे की, आप भी कमाल कर रहे हैं। बहुत भोली समझ दो ना उन्हें, और जादू टोना करती है सवेरे शाम। भाई साहब आप ना हमको शास्त्री जी से मिलाओ। हाँ। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप ना अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और देख बन गया। मम्मी अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। तो बनते गया ना, तू ना बहस ना क्या कर, गोल्डी मेरे ना अपनी कैंडियां क्रश कर। बटन ना पर देखिए, 7वें घर का शनि और 12वें घर का केतु विवाह के प्लेटफॉर्म को बायपास करते हुए सन्यास के शॉर्टकट से सीधा मोक्ष के द्वार पे जाकर रुकेंगे। सही, बढ़िया है। सब ठीक है मतलब। तो इसका अर्थ है कि 31वें जन्मदिन से पहले अगर विवाह नहीं हुआ तो अकाट्य अखंड सन्यास योगम। मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट नहीं होता है, सेलिबेट होता है। हम कर लेंगे सेलिब्रेट। भाई क्यों, अरे क्यों करेंगे सेलिब्रेट? सेलिब्रेट नहीं है, सेलिबेट है, जिसका अर्थ होता है लड़का आजीवन कुंवारा रहेगा, शादी होगी नहीं कभी इसकी। हैं? हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ग्रह कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। गलत बात है। गलत है, सही है, लेकिन है बहुत बड़ी बात बोल रही है मम्मी। मेरा बड़ा बेटा है। अरे आप रोइए, आप बढ़ाओ छोटा, आप रोइए। अरे भाई चुप कराइए, चुप कराइए ना इसको। सपना होता है उसके पीछे। देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई और उपाय है? 31वें जन्मदिन से पहले इसका विवाह करा दीजिए, यह है दूसरा उपाय। वो तो हो जाएगा। खिलाइए भाई प्रसाद सबको। सेलिब्रेट सेलिब्रेट।
यार कमाल है। ये सारा कसूर ना जोगिंदर भाई साहब का है। अम्मी कसूर वो 5 साल पुरानी फोटो और वो टोपी का है। यार हमें कोई शौक थोड़े ना है झूठ बोलने का। अब गंजे लड़के से मिलने को कोई तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं मेरा मतलब अगर लड़के से मिलने तो एक बार क्या पता लड़का पसंद आ जाए, परिवार पसंद आ जाए और बात बन जाए। अब बंदा पूछे बालों में यूज क्या है उसका, कोई नखूनों की तरह है यूजलेस। बंदा अच्छा खासा है, सरकारी नौकरी है, कॉलेज में लेक्चरर है, पता नहीं क्या चाहिए। वो तो तू टेंशन ना ले, निर्मला के पास ना जड़ी बूटी वाला तेल है, वो लगा लेना, 3 दिन में बाल आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। यार गुड्डी कुछ नहीं होना तेरे तेल से। तू ना एक काम कर, तू ना अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। खबरदार चमन, जो तूने हेयर प्लांट कराया तो। अरे पता है कितना रिक्सी है, सुरेंद्र भाई साहब के भतीजे ने कराया था पिछले साल, फिर उसकी डेथ हो गई। सच्ची? और तुझे मेरी कसम है, हैं लव मैरिज कर लेता तो लड़की को ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। पता है 1986 में हमारी लव मैरिज हुई थी। यार ट्राई तो करके देख यार। तुसी चुप करके सलाद काटो ना। अच्छा पुत्र तू स्ट्रेस ना ले, लड़की तो मैंने तेरे लिए इतनी प्यारी ढूंढनी है कि पूरे रजौरी की रूह सड़ जानी। पूरा दिल्ली बोल देती ना गुड्डी, सोच पे GST नहीं लगता। यार चुप हो जाओ सब, कोई जरूरत नहीं किसी को ढूंढने की, मैंने कहा आपसे ढूंढने को। अच्छा फिर तूने सेलिब्रिटी भी तो बन जाना है। मम्मी सेलिब्रिटी नहीं होता, सेलिब्रेट होता है यार, सेलिब्रिटी तो एक्टरों को बोलते हैं। तो काम करना तो सन्यासी बन जाना है, बोल देखा तुम। हां तो ही बन जाना है तूने, तुझे पता तो है पुत्र तेरी कुंडली में दोष है ना। तो क्या बिना शादी के भी लोग खुश रह सकते हैं? अच्छा एक नाम बताइयो। सलमान खान। उन लोगों की बात अलग है, उन्हें कम से कम मिल तो जाती है लड़की, लड़की मिल जाती है ना, मतलब लंबी लंबी लाइनें होती हैं उनकी। मैं बिना लड़की के भी खुश रह सकता हूँ। आया पड़ा पुष्पा। हजार बार मैंने बोला कपड़े ढंग से पहन के आया कर, 3 दिन मर्द घूम रहे हैं यहाँ पे। आराम से, उसकी गलती थोड़ी ना है। नहीं अचार फेंक के मारना मैंने मुंह पे तेरे। बात कर रही है। पानी दे, पानी दे, ये पानी पी तू। सुहानी एंड पीयूष गॉट एंगेज्ड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। कॉंगोस। शिट मैन, द लास्ट वन इज आल्सो डाउन। अपने बैच में तो सारे शादीशुदा हो गए। अरे अरे अभी कहाँ, अभी अपना चमन भी तो बाकी है। Is he still thinking of marriage? मुझे लगा give up कर चुका होगा। क्या कर रहे हो यार गोल्डी? मेरी चप्पल नहीं मिल रही। चप्पल नहीं, मेरी पहन लो। दे ये। हेलो क्या हो गया? बेडरूम सोने के लिए होता है, रात को 12 बजे भुसड़ भुसड़ करने के लिए नहीं होता है, निकल यहां से दफा हो। हाँ ठीक है जा रहा हूँ, मेरे को भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का। वो तो पापा ने बोला था जब तक आपकी शादी नहीं होती इसी घर जाने के लिए एक कमरे में सो जाओ, अब तो लगता है सारी जिंदगी यही मरना पड़ेगा। बकवास मत कर, निकल यहाँ से, पापा को बोल दो बंदूक में पैसे। सारी गंदी औलाद। अरे नहीं नहीं डिस्टर्बेंस है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कुछ नहीं। मेरा चंदा चंदा बोल दे सर पे ना कैश में पेमेंट कर देगा यार, अपना टैक्स भी बचेगा, उसका भी बचेगा, खत्म बात। नहीं 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 तेल लगा रहा हूँ उसकी आवाज आ रही है, फिक्र ना कर।
चल चल भेज दे घर तू भेज दे सर बिना भार मेरा उड़े मन डोलवे चमन दादाजी को मत्था टेक के जा ठीक है ना जुल्मो की छैया खिली है धूप दैया बेटा चेहरे हो स्लाइड मेरे रूप दे सबके लबों पे यही बात देखो थी चांद निकला यार गोल्डी फिर गाड़ी ले गया उस आवारा लफंडर को ज्यादा जरूरत है मुझे 70,000 मैं कमाता हूँ महीने के हाँ तो क्या हो गया तू स्कूटी ले जा यार हैं उसकी तो उम्र है गेड़ियां मारने की गाड़ी कुछ काम तो आए तूने तो एक बार लगानी है तो शाम को सीधा वापस घर आना है नहीं नहीं जी मैं इससे बात कर रहा था अपने लड़के से हाँ देखो चांद निकला यही होता है पुरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता ओ टकले ओ जुड़े चमन सर वो अत्याचार सहन करने का नतीजा क्या होता है सर ये तो तेरे जैसे लग रहा है ये तो तू ही है थैंक यू सर सर ये गलत बोल रहा था मजाक बना रहा था मेरा क्या बोल रहा था तू सर मैं नहीं था सर 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 मैं कल आ नहीं पाऊंगा वो बीवी को उसकी बहन के घर छोड़ने जाना है हाँ ओके थैंक यू सर बीवी सर पूरी परमिशन मिली इसकी या किसी और की सर क्या लगता है शादी के 7 साल बाद भी क्या बात करता होगा बीवी से क्या बकवास की तूने सर कुछ नहीं सर 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 उजड़ा चमन सर पर मैंने नहीं बोला था शट अप इसके लिए फीस भरते हैं माँ बाप तुम्हारे आवारा लुच्चे लड़के या तो लड़कियों को ताड़ेंगे या मास्टरों को परेशान करेंगे तुम्हारे बाप की उम्र क्या है ये सर मैं 30 साल का हूँ मैं सिर्फ 7-8 साल बड़ा हूँ इससे नहीं मतलब चमन तुम थोड़े से मैच्योर लगते हो फाइन सर 1,000 रुपए अभी सर सॉरी निकालो नेक्स्ट टाइम निकालो सर चेंज नहीं है सर चमन तुम्हारे पास है सर नहीं सर मैं कल दे दूंगा चेंज सर शट अप एक काम कर एक बार फिर से बोलो और खत्म कर क्या बोलो सर सर ये गलत है ये फिर से ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकता मेरी चमन फाइन लिया है सेटल करके एंड कर लेते हैं ना सर मैं ऐसे कैसे बोल दूं सर तो चेंज रखना चाहिए था ना
मैंने यहाँ किराने की दुकान खोल रखी है, जो चेंज रख के बैठूंगा। अब मैं लेट हो रहा हूँ क्लास के लिए, जल्दी से बोल और मैटर को खत्म कर। सर, उजड़ा चमन। राज भाई, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? टोटल 7 साल। अगले महीने हमारी एनिवर्सरी भी है। वाह, अरेंज मैरिज होगी? नहीं सर, लव मैरिज। प्यार किया था सर हमने। कैसे? नहीं, मेरा मतलब है कैसे हुआ लव? कहाँ मिले? शादी पे। शादी पे? हाँ, दोस्त की शादी थी, वो दुल्हन की सहेली थी, बस वहीं पर पहली बार देख लिया, फिर डीजे पे साथ नाचते नाचते प्यार हो गया और फिर सीधे शादी। दोस्त की शादी पे सेटिंग कर ली? हाँ, तो और दोस्तों की शादियाँ बनी किस लिए है? दारू पीने के लिए और लड़कियाँ पटाने के लिए। अबे चाय तो रह गई, तू क्या पकावा गिराएगा सारे कमबख्त? हाँ बोल भाई। आजा यार, मजाक कर रही थी शिखा, मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो। यार क्यों ऐसा कर रहा है? इसमें पीयूष और सुहानी का क्या कसूर है? प्लीज आजा। अब लास्ट मिनट में सूट भी रेडी नहीं है यार। भाई तू कैजुअल्स में आजा, नहीं तो सूट मैं अरेंज करवा दूंगा। चल मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। खैर जा चमन, और निर्मला वाला तेल लगा के जा। मम्मी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं होना इनसे, 1,500 रुपए लगा चुका हूँ चीजें मैं। तू कहाँ चल दिया सूट बूट पागे? दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ। थका नहीं तू दोस्तों की शादियों में नाच नाच के? पापा हमेशा ताने क्यों मारते रहते हो आप? ताने नहीं मार रहा मैं, सच बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना कर। है? अब जिंदगी भर दोस्तों की शादियों पे नाचता रहेगा, खुद के लिए लड़की भी देखेगा। तो जा ही तो रहा हूँ लड़की पटाने ढूंढने। आ गया मास्टर। अरे भाई आज तो गड़ा ही सुतरा लग रहा है भाई मास्टर। हां भाई ठीक है सब। हां ठीक है, हो गया फिर सूट अरेंज। तंग हो जाओ तो आ गए। चमन सर माफ कर दीजिए ना, मेरे मजाक का इतना बुरा मान गए आप। सब ठीक है, इट्स ओके। ठीक है तो बस आज तो तुम देख लेना, आज तो तुम्हारी सेटिंग किसी ना किसी के साथ तो करा के ही छोड़ेंगे। बड़ी सुंदर लड़कियां यहां पे हैं। गुच्ची दे पराडा वाले हो गए तेरे फैन, नहीं अपनी बनाऊंगा तेनु बैन सारे कहन। नच्चा बच्चा लाइना मारे आउटफिट रहा तू। फुल ऑन सेटिंग चल रही है भाई की। हां भाई मास्टर। अरे छोरी ना दिख रही थारी, कित गई सेटिंग है हमारे भाई की? हैं उसी से हो रही है चैट। बिजी है अपनी फ्रेंड्स के साथ, कह रही थी मिलेगी आफ्टर वेडिंग। ओए होए क्या बात है मास्टर मेरे भाई। ओ भाई, होने वाली भाभी तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो रही है। बैंड किसकी छोर की? मेरे भाई की छोरी को झाड़ियों में चुसन लाग रहा। हट परे ना, वो नहीं है। अरे वही है। वो नहीं है। वही है। अरे चल चल चल। नहीं है ना। चल 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 चल। नहीं है। अरे चल वही है। चल चल। चुप कर मोड़ दूँगा। चल चल चल। रोबी होती ना डांट ना। छोड़ी छोड़ी ना। अरे बैंड जी यो रॉन्ग नंबर से सारे वाले भाई साहब बोले उड़े। ये तो अपना गोल्ड है, छोड़ इसको। चमन का सगा भाई है। सगा भाई? अरे तने शर्म ली आज है कि नहीं? अपने ही भाई की जोरू पे चढ़ लाग रहा। जोरू? और जोरू? सारा खत्म ना है वो वहाँ। ओ मास्टर, रे यो के राड़ा से, रे वाह खड़ा खड़ा के जग बना रहे भूतड़ी के, यार संभाल इसका लेसना। अरे रहन दो ना राठी भाई, होता है चलता है कभी कभी। चलता है? रोक, इतने भी अंग्रेज ना हुए, अब भाई भाई बारिया डाले। Can someone please tell me what the hell is happening? अरे ओ मास्टर, अरे आजा यार, ये दिल्ली की छोरियां वैसे भी समझते मार है। Excuse me.
साउथ दिल्ली. आई एम फ्रॉम साउथ एक्स. ओके तू यहाँ क्या कर रहा है? बोल. हम तो बस सारे दोस्त खाने आए थे. पता नहीं था ना आपके किसी नोन की है. बनना नहीं आते. खाना ना पूरी की पूरी छोरी को गटकने को तुला हुआ था. ये जो आप लोग का फैमिली ड्रामा है ना, आप करते रहो. विल यू प्लीज लेट मी गो. मैडम जी, ये आपके बॉयफ्रेंड है, इनके साथ जाओ ना. और बॉयफ्रेंड इसकी और तुम्हारी सेटिंग. मेरा मतलब है, बात नहीं हो रही थी. कौन सी बात? अरे तंग कर रखा है इसने मुझे. जहाँ जा रही हूँ वहाँ पीछा कर रहा है. 15 मिनट तो लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा. दुखी कर दिया मैसेज कर करके. अरे 20 मैसेजेस के बाद एक हाय का रिप्लाई किया है मैंने. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा. आई एम लीविंग. तेरी हूलिगन्स. ओह, ये गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं, मेरे को तो टिक्की वाले स्टॉल पे मिली थी. तन्ने जकड़ ली. रे छोरे, तेरी किस्मत घनी चौकी है कि तुम्हारे मास्टर का भाई निकला. ना तन्ने गाड़ी की डिग्गी में बैठा गया ना, झज्जर फेंक के आना था मैंने. कहा? ओ कुछ नहीं यार, मैं एक फट्टू सा रहने भी था. मारे मैंने तो कान के नीचे ठंडा हो गया. बंदी तो जहर थी रे. जहर. प्रॉपर डिनर नहीं हो पाया था ना. तू मैंने देखो मैं कराता हूँ डिनर पे. जहर पीना तुझे. जहर मैं पिलाता हूं. रुक जा. उन्हें नहीं पिला. चमन देख कर क्या रहा. चमन बस कर. चमन 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 की हो रहे कोली साहब. अरे होना क्या है जी, चली लो रहे, दिख नहीं रहा आपको. चुप करेगा दादा पूरे मोहल्ले में. नीचे उतार. पता है 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं यहां रजौरी में. बाप दादाओं की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो. तू उतर गाड़ी से. ट्रेन पर जाना है. इसने पहले कम टेंट डाला. बस कर बस कर. अच्छा ये तो बता दो तुम हुआ क्या तुम दोनों में. बोल भी भाई से पूछो ना. चमन बता बता क्या हुआ था. बोल बता ना. कमाल है चला गया. तू दस. अरबी कैसे दी? जी तंदरे को. अच्छा नमस्ते कोहली साहब. 30 साल का हो गया ना चमन. इस उम्र में आग बहुत होती है. आप समझ रहे हो ना क्या है कि कहीं इधर उधर मुंह ना मारने चले जाए जीबी रोड वगैरह तो फिर एड्स हो जाती है वहाँ. एड्स बलात्कार ऐसे ही तो होते हैं. फ्रस्ट्रेशन में आप ही कमाल कर रहे हो. ये कोई बात है बोलने की. एक बंदा बात कर रहा ना. नहीं नहीं कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कुछ हल निकाला जाए ना. हाँ नहीं हल निकालना पड़ेगा. मैं निकालता हूँ. सुबह से क्या बड़बड़ा रहे हो. ऐसे भी क्या बात करनी है. अरे तेरी समझ में नहीं आएगा. मेरे को संभालने दे. पर करने क्या जा रहे हो. बाप का ना फर्ज निभाने जा रहा हूँ. समझ आई.
कमिन कुत्ता पूछ की रहे हो तेरे गुलाब जामुन चलो ठीक है चलो फिर ठीक ही है क्या हुआ नहीं होना क्या है मैंने सोचा थोड़ा फादर सन टॉक हो जाइए फादर सन टॉक हाँ ये कौन सी टॉक होती है बेटा ये वो टॉक है जो मुझे 10-12 साल पहले कर लेनी चाहिए थी मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ लेकिन चलो आज ही सही हैं पापा कैसी बातें कर रहे हो आप बेटा देख मैं ना 24 साल का था जब मेरी शादी हुई और उससे पहले मैं यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत टहल लिया करता था तू ना 31 का होने को रहा है तेरे बदन में अब वो आ गए हैं क्या कहते हैं टेस्ट एक मिनट भूल गया याद करके आया सब भूल गया एक मिनट रुक जा टेस्टोस्टेरोन हाँ वो ना कुछ तत्व होते हैं पापा प्लीज पता है मुझे हाँ मुझे पता है तेरे को पता है लेकिन शायद तेरे को ये नहीं पता जब वो बदन में उनकी मात्रा बढ़ती है ना तो एक एक अजीब सी आग धधकने लगती है आग हाँ पापा आप ठीक हो ना ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो ये अजीब बात नहीं है ये करेक्ट एजुकेशन है और इसी टेस्टिंग ट्रॉन की वजह से ना वो तू कल गोल्डी का सर फोड़ने के लिए तुला हुआ था पापा बस करो तुझे पता कितना परेशान है तेरी वजह से और इतना डरा दिया कल तूने लगा कोई कांड करके छोड़ेगा ये लड़का वो क्या कांड कर रहा हूँ मैं नहीं तू नहीं कर रहा बेटा तू नहीं करेगा तेरे से तो होंगे ही नहीं तेरे से करवाए जाएंगे हाँ कौन करवाएगा ये यही टेस्टोस्टेरोन क्या टेस्टोस्टेरोन अरे ये टेस्टोस्टेरोन अच्छा भी है रुक जा फोन दे अरे रुक ना ये कहाँ गया हाँ ये देख टिंडर हाँ टिंडर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीख 30 साल का वर्जिन लड़का बैठ के गुलाब जामुन ऑर्डर कर रहे ओ हेलो मैं वर्जिन नहीं हूँ बड़े चेक करा लो दूंगा एक पकड़ के बाप उत सब पता है मेरे को मम्मी पागल हो गए क्या सर पागल हो गए सब राज भाई और कोई जगह जहाँ आपका दोस्त भाई कजिन अपनी वाइफ को मिला हो ऑफिस में हाँ सर मेरे तो मैक्सिमम दोस्तों का प्यार ऑफिस में ही हुआ है साथ में काम करते करते बातचीत करना घुल मिल जाना बस अब जैसे यहाँ कितनी मैडम लोग हैं पर मास्टर सारे नल्ले हैं वरना 4 बजे तो छुट्टी हो ही जाती है ले जाओ चाय कॉफी पिक्चर दिखाने कर लो सेट है So guys, you need to understand that law of diminishing marginal utility economics का सबसे important law. तो तुम लोगों को concept समझ में ही नहीं आया? What is so difficult about this concept? It's the simplest law of economics. कल मैं इसी concept पे तुम लोगों का test ले लेती हूँ. Are you guys ready for that? समझ तो कुछ नहीं आया ना तुम लोगों को? चिल्लर को लीव एनकैशमेंट कहते हैं ये लोग पता नहीं मैं परमानेंट कब होंगी स्ट्रेस मत लो जल्दी हो जाओगी नहीं हुई ना सच्ची कह रही हूँ मैंने शादी कर लेनी है 30 साल की होने वाली हूँ बहुत वेट कर लिया मैडम एक आप शाम को क्या कर रही हैं कॉलेज के बाद कुछ नहीं घर जाऊंगी नहीं मैं क्या सोच रहा था कॉफी पे चल सकते हैं हाँ वो कैंटीन वाला नई कॉफी मशीन लाया ना ले आया नहीं मेरा मतलब था शाम को कहीं जा सकते हैं पिक्चर वगैरह जैसे डिनर पे जाते हैं ना अगर आप फ्री हो सर मेरा तो ऑलरेडी आज प्लान है ना बॉयफ्रेंड के साथ कोई नहीं मैम नेक्स्ट टाइम ओके मैडम ये स्टाफ मीटिंग कितने बजे 3 बजे सर 3 बजे हर चौथे दिन तो मीटिंग रख देते हैं होता मुझे नहीं मैं क्या कह रहा था शाम को कहीं जा सकते कनॉट प्लेस वगैरह सर आज तो नहीं हो पाएगा वो एक्चुअली ना घर पे लड़के वाले देखने आ रहे हैं सो यू नो तैयारियां ना आई नो
पक्का है? हाँ। आप आ रहे हैं? नहीं आप जाओ थोड़ा काम। ओके सी यू। ये सेकंड ईयर का लेक्चर शेड्यूल आया कहाँ यार, मैंने पिछले हफ्ते भी बता दिया था। उनका एज यूजुअल लेट ही होता है। वही तो। इंग्लिश टीचर बहुत हैंडसम है। सच में? नीचे रखो 500,000 1500 4000 किसके बाल होंगे? अरे तुम्हारे खुद के बालों की जड़ें। टेंशन मत लो, हम पीछे से ले लेंगे। पीछे से कहां से ले लेंगे? अरे तुम्हारे सिर के पीछे से। और कम पड़े तो तुम्हारी दाढ़ी छाती बगलें कहीं ना कहीं से हम इंतजाम कर लेंगे। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं सुनने में लगता है बहुत इजी है, हमारा रोज का काम है, सिंपल है। यहाँ मत देखो, मेरे 45 की उम्र में गए थे। बालों की जरूरत तो तुम जैसे यंग लड़कों को पड़ती है। नो हेयर नो गर्ल। देखो 150 रुपए ग्राफ्ट के हिसाब से 4,000-6,00,000 रुपए बनेगी। 6,00,000? डॉक्टर साहब कैंसर से मर थोड़ी ना रहा जो इतने पैसे खर्चूंगा। 6,00,000 का तो बजट ही नहीं है। हम लोन करवा देंगे, 12 इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना, 60,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। डॉक्टर साहब मंथली सैलरी निकल जाएगी इसमें, कुछ सस्ता कर दो। मैं टैबलेट लिख देता हूँ फिर, लेकिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। ये सेफ है ना? ऑलमोस्ट, मतलब बस 200 में से किसी एक आध आदमी को पार्शियल या फुल इम्पोटेंसी हो सकती है। साइड इफेक्ट? मेरा तो लग पहले से ही खराब है, कोई और ऑप्शन बता दो। तब तो फिर एक ही ऑप्शन है जी। क्या? जवानी छुपाओगी रानी? अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कब आरो कब कितना सताओगी रानी? कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी? चलो धर्म कविता सुनाओ। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बर ये रहा ये मोहब्बत, रह ना जाना रहा मैं, लज्जत सरहान वर्दी दूरी ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आज फिर मकलत में थे कातिल कह रहा है। Peggy.
सर, मुझे तो बस इतना कहना था कि आप ये कॉलेज के फुकरों की वजह से बुरा मत फील करो। सारे के सारे आवारा वेले हैं सर। आप अपना ख्याल रखना और स्ट्रेस मत लेना। ओके, आई विल लीव। बाय सर, टेक केयर। हाय सर, आप ठीक तो हो ना? आप अपना ख्याल रखना। ओ तेरी चमन कोली। हाय, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। स्टूडेंट हो ना? हाँ। अगर ऐसे किसी ने देख लिया तो? ओ कम ऑन चोमो, क्या प्रोफेसर और स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं हो सकते? और वैसे भी तुम मुझे कोई ज़्यादा बड़े नहीं लगते। हाउ ओल्ड यू? 30। 30? I'm 20. Close enough. चलो। अरे चलो। हाँ। वैसे कॉलेज के क्राउड के बारे में तो तुम्हें पता है ना, एक से एक क्रीपी लड़के। बट आई लाइक सेंसिबल मैच्योर्ड मेन। और तुम्हें विग पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे लगते हो, द रॉक लगते हो। आखिरी बच्चा हूँ जिसकी अपने दोस्तों में अब तक शादी नहीं हुई है। पर तुम टेंशन मत लो, सबकी हो जाती है, नंदू की भी हो गई।
नंदू कौन? मेरा ड्राइवर। हाँ तुम्हारी शादी को तो अभी टाइम होगा ना। ओ हेलो, किसने कहा टाइम होगा? मेरी मामा 17 की थी जब उनकी शादी हुई थी, उस हिसाब से 3 साल लेट चल रही हूँ मैं। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर में हो। हाँ तो शादीशुदा लोगों को कॉलेज से निकाल देते हैं क्या? मेरे पापा ने मम्मी को शादी के बाद बीए कराई थी। ओ हिरनिया मेरी सजनिया, मेरे नैना मुझे भावे भावे भावे, ओ तितलिया मेरी मचलिया, नालो दिल तेरे लागे लागे लागे, तेरी मेरी दी बात गल बन गई, तैनू पाके लग किस्मत खुल गई, तेरी मेरी दी बात गल बन गई, तैनू पाके लग किस्मत खुल गई। पुत्र मैं सोच रही थी को शादी.com वाले तेरे प्रोफाइल को डिलीट कर दे। लड़की तो तूने ढूंढ ली है, हमें पता है गोल्डी ने देखा है तुझे। अब तू भी बता दे कौन है। बता दे ना कौन है। कोई है भी है हमें? है ना, बस अब ये मत पूछना कि कौन है, क्या करती है, उसका नाम क्या, उसकी कास्ट क्या, उसके माँ बाप क्या करते हो, कितने साल की है, प्लीज। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी आओगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, भाई गुरु जी सौ गर्दन उखाड़ दूंगा। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? जी क्या पता, ये सब उन्हीं का किया कराया है, वो टेस्टिंग ड्रोन का। क्या हुआ, सब ठीक है ना? यार 4 दिन में एग्जाम्स है, मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने पढ़ाई नहीं की थी यार, दादी की तबीयत बहुत खराब थी। ओ इस सेमेस्टर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। 4 दिन 5 सब्जेक्ट, अगर रोज भी 1 सब्जेक्ट करूंगी तो 1 सब्जेक्ट बच जाता है। इस बार का पेपर तुम सेट कर रहे हो? हाँ। चुमो, अगर थोड़ा सा पेपर मिल जाता तो। नहीं है ना, मैं पेपर नहीं दे सकता हूँ। यार मैं फेल हो जाऊंगी चुमो, तुम मुझे बाकी बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हो? Am I not special to you? You're very special, but मैं पेपर लीक नहीं कर सकता है ना, मैं पढ़ा देता हूँ ना। यार टाइम नहीं है पढ़ने का। अरे टाइम ही टाइम है। यार नहीं है, तो मुझे 5 से 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। 5 क्वेश्चन का तो पेपर है टोटल। तो 10 बता दो, मैं प्रिपेयर कर लूँगी पक्का। आइना प्लीज चोमो, प्लीज बता दो ना यार, प्लीज बता दो,
प्लीज तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो प्लीज चोमू प्लीज प्लीज बता दो अपना देख Silence. Nobody will talk. If anybody talks, that body, another body, both the bodies will be thrown out. गुड आफ्टरनून जी बताइए सर मैं एक मिनट बात कर सकता हूँ हॉप इन बेब सर लेट हो रहा घर जाना है बाय सर बाय गाइस ये गुड़का और गंजा कौन है ऐसे हिंदी के मास्टर जी हैं रहता है अब जीवन पतझड़ के जैसा वन उपवन झर झर कर जितने पत्र नबल और टिंडर 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 यू डोंकी फेलो कर गए रित तनु के तरुदल ओ मास्टर टिंडर पे प्रोफेसर लड़की बाज प्रोफेसर लड़की बाज हेलो हेलो कहाँ हो तुम
आप कहाँ पहुँची हो? दिखाई नहीं दे रही। मैं तो यही हूँ। आप किधर हो एग्जैक्टली? मैं गुंबद के नीचे। गुंबद तो बहुत सारे, कौन सा वाला? अरे वो जो बड़ा वाला गुंबद है ना, उसी के नीचे। नहीं नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में। एग्जैक्टली कहाँ पर? सॉरी, वो फोटो थोड़ी पहचान नहीं पाए। फोटो पूरी लगा देता तो शायद आती ना। तुझ भैंसी को पूरा देख लेता तो मैं कौन सा आता? मोटे लोगों को तो कंपलसरी फुल बॉडी फोटो लगानी चाहिए। तुम्हें भी इतना क्लोजअप नहीं लगाना चाहिए था कि। So what brought you to Tinder? मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए थी कि हुकअप? शादी। पागल तो नहीं हो गया ये? टिंडर पे कौन शादी करता है? तुम क्यों टिंडर पे? वो अभी अभी ब्रेकअप हुआ था तो सोचा लेट्स चेक इट आउट, शायद कोई मिल जाए, शायद कोई अच्छा लग जाए। लेकिन टिंडर क्यों? वैसे रिश्ते वगैरह नहीं देखे कोई? बुड्ढा तू और तेरा मुंडा क्या तू? देखे पर पसंद नहीं है। आजकल अच्छी लड़कियों की शॉर्टेज है ना, और मैं भी कौन सा कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से हूँ। तुम क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे? तुम तो खुद पूरे के पूरे कॉम्प्रोमाइज लगते हो। नहीं वैसे मिलने को मिल जाती है। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? एक बात करनी थी यार। हाँ बोलो। उस हैंडी की बर्थडे पार्टी बहुत मजा आया था यार। तुम्हारी फैमिली कितनी स्वीट है, मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी। First I was in love with you, now I'm in love with your family. हाँ तो family सब मान के शादी करे? नहीं यार, वो ना ज़्यादा खुश नहीं हम दोनों के लेके। वो कह रहे थे कि हमारी जोड़ी इतनी सही नहीं लगती साथ में। तुम बड़ी लगती हो मुझसे, थोड़ी थोड़ी नहीं काफी भारी हो ना। इसीलिए तो तुम्हें कहती रहती हूँ थोड़ा तो वेट गेन कर लो, क्योंकि पतलू से लगते हो। दिन में ना 3-4 केले खाना शुरू कर दो और प्रॉपर पराठा नान बटर बटर लगा के। ये नहीं कैसे ऑलिव ऑयल में कुक कर रहे हो। प्लीज नहीं, मैं पतला नहीं हूँ, तुम मोटी हो। पापा मम्मी कहते हैं कि एक लड़का एक बहू आएगी और वो भी इससे पहले की बात में ज्यादा हॉट हो तो अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। भैया पेस्ट्री पैक कर दो। ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? नहीं वो वर्कआउट नहीं हुआ, बहुत ही डम था। पूरी अकल तो उसकी यहाँ पर थी। 50-50 उबले अंडे खाता था दिन में, पता नहीं कहाँ जाते थे, बॉडी बनी ही नहीं। एनीवेज तुम क्या पढ़ाते हो? हिंदी। हिंदी? बड़ी बोरिंग जॉब होती होगी ना, हिंदी लेक्चरर। बोरिंग लेक्चर होना बोरिंग होता है? हिंदी हिंदी पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या करती हो? आई एम अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन कुछ टाइम से ब्रेक पर हूँ तो घर पर ही रहती हूँ। घर पे बैठना बोरिंग होता है? हिंदी लेक्चरर होना बोरिंग नहीं होता है? कितना सड़ियल है ये, मुझे नहीं डेट करना है इस टकले को। मोटी भैंसी को तो बिल्कुल अक्कल नहीं है बात करने की। पूरे जहाँ की सब लड़कियाँ भी अगर खत्म हो जाए ना, तब भी ना शादी करो उससे। अब मना कैसे करूँ? जाऊँ कैसे अब यहाँ से? हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। हाँ हाँ है ना, गुड फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड्स। तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं फेसबुक मैसेज करता हूँ। ओके बाय। मयूर विहार नहीं बैठा।
कहीं छोड़ दो? मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो बस। एक सेकंड, एक सेकंड। दोनों बच्चे साथ ही थे जी जब एक्सीडेंट हुआ। मतलब? हाँ जी साथ थे। नमस्ते जी, मैं लड़के की मम्मी, लड़के के पापा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओहो, तेरे तो काफी चोट लगी बच्चे। नहीं बस थोड़ा लिगामेंट टियर है। अच्छा, ये हुआ कैसे बेटा? लेकिन वो स्कूटी पे बैलेंस बिगड़ गया था। चमन ना कभी भी स्कूटर ध्यान से नहीं चलाता, मुझे भी 3-4 बार गिराने वाला था। मम्मी मैं ध्यान से चलाता हूँ। चुप कर, एक बार देख तो लो इसको, किस एंगल से स्कूटी के पीछे बैठने लायक लगती है। सारा ना आपका कसूर है। मैंने 50 बारी बोला है कि गाड़ी चमन को चलाने दिया करो, उसने मिलना जुलना होता है और गाड़ी का अच्छे से इस्तेमाल होगा। अच्छा, डिस्चार्ज कब होना है, कुछ बताया इन्होंने? हाँ जी, वो इनका तो आज ही हो जाएगा, पर अप्सरा को एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा। एक मिनट, चमन भी यही रहेगा? हाँ मम्मी। अरे नहीं बहन जी, मैं रुक रही हूँ ना। ना 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 बहन जी, इसने गिराया ना, यही ध्यान रखना। हाँ। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना किसी को तकलीफ दे सकते हैं। नहीं नहीं। हाँ जी। नहीं, ना, तकलीफ ना। की बात नहीं है जी, ऐसे कुछ काम वाम रहा तो एक जेंट्स अच्छा रहता है। हाँ। तू रहेगा बे, समझा? सर बाहर एक वो बिल क्लियर कर दीजिए। हाँ, चल। अच्छा अच्छा, कब आ? चल। शुक्र है रब का, बच्चे ठीक ठाक है। हाँ जी बहन जी, और देखो माता रानी ने क्या बहाना बनाया हमें मिलाने का। सच्ची? हाँ। नहीं तो आजकल के बच्चे कुछ बताते ही नहीं है खुल के। चमन ने हिंट दिया था। हाँ। ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया, शर्मीला है। अच्छा। इसे अंदर रखो, बंद रखा। आप रखो जी, पुलिस साहब नहीं ऐसे नहीं, आप शर्मीला कर पहली बार करी। नहीं नहीं नहीं, खुल पैसे। अरे मेरे को भी खुल नहीं है, 2000 के नोट है। डीमोनेटाइजेशन का जमाना है। आप पूछ लो श्वेता जी से, पूछ लो, हमारा तो आना लग रहा है। मेरे को देने दीजिए, मैं हाथ जोड़ दूंगा। हाथ मत जोड़िए, देखिए आपने बहुत ज्यादा कर दी है। देखिए इतना मत करिए, देखिए अब हमारे चमन ने बच्ची को गिराया तो चमन ही पैसे देगा ना। अरे बारे बकरा साहब, थोड़े 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 मेरे से ले लीजिए। कमाल कर रहे हैं आप, रखो ना। बहन जी ये तो शुक्र है कि बच्ची हट्टी कट्टी है। पता है एक बारी मैं भी गिर गई थी, फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरे बॉडी फैट के कारण ना बच गई मेरी हड्डी टूटने से। ओ नाना जी, अप्सरा का तो मेटाबॉलिज्म स्लो है बस। क्या स्लो? वो जो खाने पीने की खपत की मात्रा होती है ना। हाँ। बस उसकी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है बस। अच्छा। बाकी खाती तो हम सबसे कम है, 2 परांठे क्या होते हैं आप बताओ। हाय कुछ नहीं होते, आपने ना पहन जी मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। अभी परसों मेरे साथ यही हुआ, मैंने 4 पराठे बनाए, मैंने कहा गोभी सीजन में खा लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चमन के डैडी ने मेरे को इतने ताने सुनाए, मैंने ना बहन जी रो रो के सिर्फ 3 खाए, मैं कदा नहीं खाती है। हाँ। मम्मा मम्मा मम्मा, क्या हुआ? मम्मा कहाँ है? सो रही है, कुछ चाहिए तुम्हें? वो एक्चुअली चमन भूख लगी है, मैं कुछ ले आता हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अरे तुम्हारी टांग पे लगी है ना, प्लीज
आई नो बोलते हुए स्टूपिड लगूंगी पर बहुत मजा आ रहा है यार। हाँ मेहनत तो मेरी है। एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी। इतनी खुश क्यों? 5 साल पहले बीकॉम फाइनल ईयर में ऐसे रात को स्नीक मार के मैगी खाई थी। लास्ट एग्जाम था तो ग्रुप स्टडीज के लिए सब फ्रेंड्स हॉस्टल आए थे, बस इसकी जगह दारू थी। एग्जाम से एक रात पहले? हाँ तो कॉलेज का लास्ट डे था, इतना तो बनता ही है। एक्चुअली ना मैं फर्स्ट टाइम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। तुम हुए हो कभी एडमिट? नहीं। न्यू एक्सपीरियंस? न्यू एक्सपीरियंस? शुक्र है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लाइफ में ना हर चीज़ के होने का कोई ना कोई रीज़न होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है जो हमें उस टाइम नहीं दिखाई देता। एक्सीडेंट में क्या अच्छा होना है? वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अब जैसे अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हम ऐसे रात में मैगी, ये चाय, बातें, ये व्हील चेयर राइड, ये सब कहाँ एक्सपीरियंस करते। अच्छा एक बात बताओ, अरेंज मैरिज क्यों? मतलब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आए? आया था ना, ऐसे तो काफी रिलेशनशिप हुए हैं स्कूल में कॉलेज में, अभी तक बस कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? 20 साल की बच्ची थी, इमेच्योर, उसकी अकल ना घुटनों में थी, मतलब संभालना सरदर्द था। और कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से तो तुम हो नहीं, पता है। चलो शादी के लिए कम से कम अपनी एज की कोई ढूंढ लेना। टिंडर पे नहीं मिलेगी शादी वाली, उसके लिए तुम्हें मैरिज ब्यूरो या शादी.com जाना पड़ेगा। प्लीज चले जाना। मुझे पता है लड़की कहाँ और कैसे ढूंढनी है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार भड़क क्यों रहे हो, मैं मजाक कर रही थी बस। चले चलो। अच्छा बाय द वे थैंक यू फॉर द चाय, मैगी एंड व्हील चेयर राइड। गुड नाइट। गुड नाइट। आज भी धोखा हुआ है, धोखा। इंटरनेट सब फर्जी है, फोटो देखो तो कुछ और, मिलो तो कुछ और। लिफ्ट दी, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ दोनों की फैमिलीज आ गई और बात ऐसे कर रही है जैसे बिछड़े हुए रिश्तेदार होते हैं। सारी रात ना बिना मतलब बैठ के काटी हॉस्पिटल में। तो आप पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे? और क्या। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, रात गई है, जान छूटी है। मैं ना आपसे आराम से डिटेल में बात करता हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है सर। तेरा ही नाम ले रहे थे और तू आ गया। क्यों बैठा है यहाँ? आना। नहीं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक है, इधर आके बैठ, हमारे बीच में कमाल कर रहा है। और क्या हाल चाल पुत्र, ये अब कैसी है तबीयत? ठीक है। शुक्र है। मैं क्या कोहली साहब, मतलब शक्ल से ही प्योर लगा। मैं क्या जी तनु कुल जी, आजकल के जमाने में कहां मिलते हैं ऐसे प्योर लड़के बताओ। बहन जी आजकल तो गंद मिलते हैं, हमारा बच्चा तो आंख उठाकर भी देखता किसी की तरफ, इसीलिए तो प्योर है। और सिगरेट शराब मतलब उसका तो सवाल ही पैदा नहीं। ना पीने खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब उसके लिए कोई एतराज नहीं, बल्कि हम तो खुद ही कभी कभी। अच्छा तो पहले बताया नहीं, मैं मंगवा के रखता। ले अब हुकुम करो आप। अरे नहीं, अरे 2 मिनट में आ जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लगाएंगे एक एक, क्या बोलते हो? नहीं मतलब ओहो, तुसी जबरदस्ती ना करो ना, भाई साहब का मन नहीं होगा। कोई नहीं, अब तो जिंदगी पड़ी है, आराम से पिएंगे। अच्छा जी चले फिर। चाय नहीं पीनी हो? नहीं नहीं बस बस। अच्छा प्योर मुंडा। यार पापा ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है बेटे, दोस्त अच्छे हस्बैंड्स बनते हैं। तेरे पापा और मेरी दोस्ती देख ले, है जी? हाँ जी मैडम। चीयर्स। माना लड़के के बाल थोड़े कम हैं, लेकिन मुंडा बहुत चंगा बेटे। नहीं वो नहीं मम्मा। माना हिंदी का मास्टर है, थोड़ा बोरिंग, लेकिन नौकरी तो उसकी सरकारी है ना, और एंटरटेनमेंट तो ये खुद अपना कर लेती। मेन गल है मुंडा चंगा है। हाँ।
यार वो बात नहीं है। देख ऐसा है ना पुत्र कि वो जो है ना वो आजकल के लौंडे लपाटों की तरह नहीं है। चालू चोपड़ा एकदम सीधा साधा बंदा है, प्योर बंदा, प्योर मुंडा। उसकी शक्ल देखते ही मेरे को पता लग गया था कि ये प्योर है। अच्छा एक सेकंड, ये बात आई कहां से? भाई बातों बातों में उन्होंने शादी की बात छेड़ दी। अप्सरा अब तो 29 की हो गई है और कितना वेट करेगी बेटे? देख पुत्र, देख जो तेरा मन में तेरे को अच्छा लग रहा हो बंदा, सच्चा लग रहा हो बंदा, तो ठीक है, then we'll go forward. Ready? चमन को मैं पसंद हूँ? हाँ, तभी तो उसके मम्मी पापा ने शादी की बात की। यार शादी की बात आई कहाँ से? मुझे नहीं करनी शादी। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। कमाल है, अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थी कि लड़की मिल गई है, हैं? पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आ रही। यार वो इतनी मोटी सी है, कहाँ जाएगी मेरे साथ? मोटी नहीं है वो, होता मेटल बॉल कुछ होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे है बस। अरे ये मोटियों के साथ पार्कों में घूम लेंगे, शादी नहीं करेंगे जनाब। मोटी नहीं है वो, तंदुरुस्त है। तेरी तरह? हाँ, पंजाबी लड़कियाँ होती है इस तरह, और साउथ दिल्ली की फुलझड़ी की तरह नहीं, खाली पेट शराबे पीती है और फिर बाद में उल्टियाँ करती फिरती है। आपने देखा उसको? तू तो अपनी शक्ल देख, बढ़ाया सलमान खान कहीं का। ये मेरा कसूर नहीं है, दादाजी का कसूर है, जिनकी सुबह उठ के पूजा करते हो ना आप लोग, उनका किया धरा है। हेडीटी में मिला उनसे गंजापन। उनसे कैसे आ गया? उनसे कैसे आ गया? मम्मी जींस वगैरह का होता है ना चक्कर, तो आप नहीं समझोगे। अच्छा और ये तेरा है, ये जो है हेरिडिटी है, ये होता तो मेरे को क्यों नहीं है? हाँ? है? गोल्डी को क्यों नहीं है? हाँ? यार को लकी हो आप लोग, आप और गोल्डी के टाइम पे जींस डोरमेंट हो गए, उन्होंने असर नहीं दिखाया, मेरे टाइम में सारा असर दिखा दिया। यार कमाल है, तो मैंने कौन से ये जीन में तेरी खोपड़ी में पाए हैं यार, कमाल कर रहा है। जिसको जो मिलता है ना या जो नहीं मिलता है वो ऊपर वाले की देन है। ओ यार अब फीलिंग्स ही नहीं आ रही उसके लिए, तो कहाँ से ले आऊं? ले गाल सुन ले पुत्र, देख हर चीज दी ना टाइमिंग होती है, एक बार शादी हो जाएगी फीलिंग ही फीलिंग आ जाएंगी। और एक और बात बताऊं, ये फीलिंग लेके लड़की सिलेक्ट करने वाले हालात नहीं है तेरे, समझा कर मेरी बात वरना बन जा सन्यासी, और दो चार साल तक तूने दीवारों में टकरे मारनी है जाके, वर्जिन मरेगा वर्जिन। क्या मरेगा? छाड़े तू यार। और एक और बात बताऊं, ये जो तेरी बड़ाइयां हो रही है ना सब सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ 30 साल का जवान लड़का और वो भी प्योर है, शान इसमें कोई शान की बात नहीं है। शान की बात है, प्योर है मेरा बेटा शुद्ध। नहीं हूं मैं प्योर, चेक कर लो यार। अच्छा बाबू तेरा सब पता है मेरे को, बड़ा आया यार मेरे सर पे इतना प्रेशर मत डालो। बेटा अभी सर की वजह से ही तो सारा प्रेशर है यार, तू समझ नहीं रहा, हम 5 साल से कितनी जिल्लतें उठा रहे हैं हम लोग, 85 फैमिलियों ने तेरे को रिजेक्ट किया है, अब नहीं होता पुत्र, अब नहीं होता, थक गए हम। बुटी तू संभाल, अभी 4 महीने बाद तेरा 31वां बर्थडे है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच बेटा, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत समझदार है। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं पर शादी के लिए कंपैटिबल नहीं है। क्या हम कल शाम मिल सकते हैं? कुछ बात करनी थी। नहीं कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चोट ठीक है? तुम्हारा पैर ठीक है? हाँ वो तो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है, 2-3 दिन में बैंडेज भी उतर जाएंगे। अब शर्म चमन कुछ कहना था तुमसे, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मोहित, एक्चुअल में उसने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं, बार बार कंपैटिबिलिटी का बहाना लगाता रहा लेकिन ब्रेकअप के टाइम उसके मुंह से निकल ही गया कि उसे और उसकी फैमिली को
मेरे ओवरवेट होने से प्रॉब्लम थी। वो बोलते थे कि एक ही लड़का है तो परियों जैसी बहू चाहिए। वैसे पहली बार मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया, तुम्हें तुम्हारी लुक्स पे जज किया। तुम मेरे रिजेक्ट हो? अरे नहीं, वो एक्सीडेंट तो डेस्टिनी थी। अगर वो नहीं होता तो ना ही हम दोबारा मिलते, ना ही हमारी फैमिली मिलती, और ना ही मैं तुम्हारी इनर ब्यूटी देख पाती। इनर ब्यूटी? और शायद ना ही तुम और तुम्हारी फैमिली मेरी इनर ब्यूटी देख पाती। ओ कौन सी इनर ब्यूटी? चमन, समवेयर आई लाइक यू। और मुझे लगता है कि अगर हमारी फैमिली से इतना घुल मिल सकती है तो हम भी शादी के बारे में सोच सकते हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं। चमन, नुक्स का क्या है? बाल आज नहीं तो कल जाने ही है, शादी के बाद वेट पुट ऑन होना ही है, तो जो बाद में होना है वो अभी सही। तुम बहुत अच्छे हो, वरना ऑनलाइन तो सब वन नाइट स्टैंड ही ढूंढते हैं, पर ऑनलाइन मिलके प्यार भी तो हो सकता है, शादी भी तो हो सकती है ना? अच्छा सुनो, अब मैंने फ़ोन में से ऐप डिलीट कर दिया, तुम भी कर दो। आप सीधे मना क्यों नहीं कर देते? आज भाई हालात नहीं है मेरे मना करने वाले, थक गए घर वाले, और क्या बोल के मना करता? और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, ना ही एक्सीडेंट होता है ना ही ये सब। एक बार आप लड़की से बात करके देखिए, शायद वो मना कर दे। गया था बात करने, उल्टा उसी ने अपने ब्रेकअप की कथा सुना थी। और क्या बोलता मैं कि तू मोटी है इसे तेरे से शादी नहीं कर सकता? अब तो कुंडलियाँ भी मैच हो रही हैं, अब देख रहे हो ना बात कहाँ तक पहुँच गई है। गुरुजी, मेरे घर वाले एक लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो सब कल कुंडलियां मैच करवाने आ रहे हैं। अगर आप कुंडलियों में दोष निकाल दो तो? तो 5,000 फीस दे सकता हूँ मैं। ये 12 घर, 9 ग्रह, ज्योतिष विद्या, ये सब मजाक है ना? नहीं, नहीं है तो बताओ। नहीं तो क्या, क्या करने के लिए क्या कह रहे हो मुझे तुम? ये राहु केतु शनि, ये तुम्हारे 5,000 रुपए के चक्कर में इन्हें घुमा के कहीं पे बिठा दूं मैं? हैं, झूठ बोलने के लिए कह रहे हो तुम? आस्था है तुम्हें? कुछ इज्जत है? कुछ है? यकीन है? कुछ विश्वास है तुम्हें? झूठ बोल रहे हो, पाखंडी आदमी हो तुम, पैसे से झूठ बोलते हो मुझसे? तुम निकलो यहां से, निकलो यहां से, प्लीज निकलो यहां से, चलो। बैठे क्यों हो यहाँ पर आप? अरे तो रो क्यों रहे हो भाई? गुरुजी सब आपके हाथ में है। देख सुनो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, तुम ये रोना बंद करो। क्या 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 कर रहे हो बेटा? रो मत प्लीज। क्या है क्या? गुरुजी, शादी के बाद ना वो खुश रहेगी ना मैं। हाँ। अब दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। अरे मैं कैसे बर्बाद? सुनो एक मिनट बेटा, देखो ये मम्मी की तरह मत करो तुम यार, प्लीज एक मिनट सुनो, रोना सुनो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। बस कुंडलियों में दोष निकालना है, मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ ठीक है, और वैसे भी जिस शादी में ना तुम खुश रहो ना लड़की खुश रहे, उसकी शादी का फायदा क्या है? ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, दोष मैं तुम्हारी कुंडली में निकालूंगा, लड़की की कुंडली में नहीं निकालूंगा। भाई बेटी है वो किसी की, उसको कैसे मैं, मुझसे नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, आप मेरी कुंडली में दोष निकाल देना। हाँ। पर उसके सर में ऐसा कोई बड़ा वहम डालना जिससे वो डर जाए। ठीक है, हो जाएगा, चलो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ठीक है ठीक। अरे और सुनो भाई,
वो 5,000 कल आज हाँ आज माने अभी हाँ थोड़े कम हो सकते हैं वहम कम चल जाएगा तुमको नहीं नहीं ना गुड पेट्रोल थैंक यू कटिंग गियर बस ठीक है कि क्या है लड़के के ग्रहों में दोष है शिट गुरुजी मांगलिक है क्या हाँ मैं नहीं मतलब मांगलिक से कहीं ज्यादा है क्या है कि राहु केतु शनि सबका जोर है देखिए बहन जी क्या है इसको ऐसे समझिए कि यदि यह विवाह हुआ तो जान को खतरा है नहीं आपकी नहीं इनकी बिटिया की जान को खतरा तो कोली साहब मैं क्या कहता हूँ कि इसको छोड़ देते हैं ऐसे कैसे जाने दे पंडित जी हमारी बिटिया की तरह है कमाल है हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ मैं कि मतलब आपको तो छोड़ देना चाहिए ना फिर गुरुजी 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 हाँ कोई तो उपाय होगा है ये मृत्यु का योग है इसमें कोई उपाय नहीं गुरुजी ये जीना मरना तो वैसे भी किसी के हाथ में नहीं है और चमन के साथ कुछ दिन भी मेरे लिए काफी है चमन मम्मी पापा सबने मुझे बहुत प्यार दिया है इतना जितना मैं शायद डिजर्व भी नहीं करती वाह देखा हाँ देखा देख रहा हूँ मिलेगी ऐसी बहू कहीं मुझे नहीं है तो रेयर ये लड़की नहीं देवी है गुरुजी अरे मम्मी बस करो ना हो गया ना चुप कर देखिए देखिए गुरुजी गुरुजी आप परम ज्ञानी हैं संत हैं बहुत हम बहुत छोटे बंदे और मृत्यु का कोई संबंध नहीं हो सकता आपके पास तो जरूर कोई उपाय हो नहीं आप देखिए शुरू ना कर दे आप जो बोलोगे हम करेंगे कोई पाठ पूजा हवन योगा तपस्या हां एक उपाय है एक उपाय है अरे आप कह रहे थे ना शनि केतु ये सब पूरा खत्म हो भस्म हो गए तो भस्म हो जाता है लेकिन अगर अगर यज्ञ किया जाए तो वो दोबारा शुरू भी हो जाता है तो आप एक काम करिए आप लोग यज्ञ करवाइए 21,500 रुपए का 21,500 गुरु जी नहीं क्यों क्या इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आपको नहीं तो नहीं है तो फिर करवाइए ना हाँ जी 21,500 में थोड़ा कम नहीं हो सकता निकल जाए मतलब थोड़ा कम हो जाता क्या कोली साहब क्या कर रहे हो हम लोग मंडप की बात कर रहे हैं आप मंडी की बात कर रहे हो नहीं मंडी आओ तो मंडप लगवाएंगे मंडप लगेगा बेटा गुरुजी आप महान है हाँ, आपने हमारी नया पार लगा दी जय हो जय हो बेटा तुम भी आशीर्वाद ले ही लो आओ बेटा जी तेरा तो कोली साहब क्या कर रहे हो वो बाहर बहुत धुआं था ना बाहर सब लोग कितनी सारी फोटोज ले रहे थे और हम दोनों की एक भी सोलो फोटो नहीं है पास आओ ना स्माइल करो चमन सर वो मैं क्या सोच रही थी कॉफी हाँ मैं कैंटीन वाले को बोल देता हूँ नहीं नहीं मेरा मतलब था कि आज शाम को कहीं चले एक्चुअली कॉफी के लिए कहीं क्या जाना मूवी डिनर क्यों आज आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका कोई प्लान नहीं है ब्रेकअप हो गया मेरा चीट कर रहा था मुझ पे अपनी ऑफिस की किसी एक लड़की के साथ चमन सर मैंने ना देख लिया ये जो गोरे चिट्टे गुड लुकिंग टाइप के लड़के होते हैं ना
प्लेबॉय होते हैं। अब शादी के लिए तो कोई सॉर्टेड सेंसिबल मैच्योर टाइप का आदमी चाहिए ना, जैसे कि आप तो शक्ल से ही लॉयल और कमिटेड टाइप के लगते हो। अरे एकता मैम, मुबारक है तो चमन सर को। क्यों, इंक्रीमेंट मिल गया इनको? चुपचाप रोका करवा लिया सर ने, और बताया भी नहीं। वो तो इनकी वुड बी वाइफ ने फेसबुक में पिक्चर डाल के इनको टैग कर दी, तब पता चला। अदरवाइज वैसे हमारे चमन सर दिखने में जितने शरीफ लगते हैं, है बड़ी चीज। करेक्ट जोड़ी, बिल्कुल मेड इन हेवन लग रही है। प्लीज़ वो फेसबुक वाली पिक्चर डिलीट कर दो। सारा जो भी हो मेरे जैसा नसीब ना हो। जब खाली था तो कोई घास ही डालती थी, जब से मोटी गले पड़ी है सबकी लाइन लगी हुई है। लेकिन सर आप खुद सोचिए, जो लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना आपसे शादी करने के लिए तैयार होगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं सर, अच्छी लड़की है। होगी अच्छी तो मैं क्या करूँ उसका? सॉरी, दुनिया में ढिंडोरा पीट के रखा है इसने फेसबुक पे फोटो डाल के। सर आपको उसके मोटापे से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इस वजह से है। सब स्टूडेंट लोग हैं। साले ये मुझे पहले टकला टकला चढ़ाते थे, अब बीवी भैंसी ये चढ़ा रहे हैं। अब आप ही बताओ राज भाई, मुझे पता है मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा से सपना था कि मेरी ब्यूटीफुल बीवी हो, जिसे देख के कम से कम प्यार तो हो। अब आप ही देख लो, 7 साल हो गए आपकी शादी को, कितना एक्साइटमेंट है, प्यार है। अभी भी आप फोन पे बिजी होते हो, क्यों होते हो? क्योंकि आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। जी सर। किसका है? बीवी सर। हाँ शांति, सॉरी मैं उस सर के साथ था ना तो मैं कॉल नहीं कर पाया। मैं सर मैं हाँ हेलो। अरे सॉरी, एक ब्राइड का मेकअप कर रही थी और फोन भी साइलेंट पर था, तो अभी फ्री हुई। बताओ। अच्छा वो क्या हुआ, वो फोटो क्यों डिलीट करने को बोला? फोटोज के नीचे कमेंट्स देखे? हाँ देखे। तो यार मजाक बन रहा है, प्लीज डिलीट कर दो। मजाक बन रहा? कौन है ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हाँ तो क्या तुम सबको जानते हो? नहीं। तो फिर कुछ रैंडम लोग आके कुछ भी बोल रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अप्सरा मेरी बेइज्जती हो रही है। कौन सी बेइज्जती चमन? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कभी अच्छा और ज्यादातर बुरा, तो क्या हम हर बार रिएक्ट करेंगे? तुम्हें मुझे हमारी लाइफ को क्या फर्क पड़ेगा अगर कुछ रैंडम लोग जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है आकर कुछ बोलकर निकल जाए? मैं बस एक फोटो ही तो डिलीट करने बोल रहा हूँ। एक फोटो की बात नहीं है चमन, कल को अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ बोले तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? यार अप्सरा तुम समझ नहीं रही हो, मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, रोज आना जाना होता है मेरा। अच्छा ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन प्लीज चमन थोड़ा बेपरवाह हो जाओ इन सब से यार। हम हर छोटी छोटी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। चलो बाय। बाय।
ਭੈਣ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਨਮਸਤੇ 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 ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਇਸਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਟ ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ मुझे भी लगी मैं भी यही सोच रही थी चमन के साथ खड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं लगी ना पैन जी और भारी नहीं है थोड़ी तंदुरुस्त है आजकल की लड़कियों जैसी नहीं तीली जैसा शरीर और बाद में बच्चा पैदा करने में कॉम्प्लिकेशन आती हैं क्या फायदा ऐसे शरीर का शरीर ऐसा हो ताकत हो ना बच्चा पैदा करने की सही बात है चल तू कर चल हां जी हां जी जरूर आना आप लोग हैं मैंने फोन कर देना चंगा जी नमस्ते नमस्ते तुम अच्छी हो पर हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो शादी रहने देते हैं हेलो हाँ जी बस निकल गए बस बोल यार छेती का सामान उठा गड्डी पा दे यार अप्सरा पे तेरे नाम की है वेरी गुड आओ जी चलिए चलिए चल चल जल्दी कर ऐसे क्यों बैठा है टाइम निकला जा रहा है मैं अब तक बोल नहीं पाया पर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं और प्लीज कारण मत पूछना यार ये ले डब्बे ले अगर आप जल्दी कर कोहली साहब छेती करो करो जी छेती करो छेती करो छेती करो छेती करो क्या जिसकी एंगेजमेंट है उसे नहीं लेके जाना चमन ओ चमन ओ तुसी ठंड रखो उसको रेडी हो जा दो अच्छी तरह कितने रेडी तो हो गए शौक होता है क्यों चले गए मिंकू से बात करो बत्रा साहब का फोन हां बत्रा साहब हां जी बस चल पड़े क्या नहीं आ रहे ये कैसी बात बनी बत्रा साहब सारे रिश्तेदार बिरादरी आए हुए हाजी नहीं मेरी बात सुनो कोई नहीं चमन ने कुछ कहा क्या बच्चों में कोई लड़ाई वड़ाई होगी तो मना लेंगे उनको ये बात नहीं है तो फिर ये हाजी श्योर नहीं है बत्रा साहब मेरी बात काट दिया कमाल है यार एन वक्त पर आकर कह रहे हैं एंगेजमेंट नहीं हो सकती है वो अफसर ने मना कर दिया कहती है शोर नहीं है अपने चमन को लेके सरा शोर नहीं है अब पूरी बात तो पूछनी चाहिए थी आप पीछे शोर मच रहा था ना और पूरा फोन नहीं उठा रहे आप ने फिर काट दिया तुसी मेनू ना अरे एक एक ओहो वो बात ओहो एक सेकंड चुप हो जाओ ना मेरे को अफसरा को फोन कर अच्छा कारण ना वो ठंड रख सुषमा ठंड रख आप अपना काम करते रहो जी जाना है हमें जाना है जरूर जाएंगे अफसरा का फोन ऑफ है यार तुम्हें फारसी बोल रहा था दे मेरा फोन है मेरे को करने दे बस करो यार बहुत हो गई हौसला अफजाई चमन बच्चे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तुझ पे क्या बीत रही है 5 साल से जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन आया और ऐसे एंगेजमेंट वाली शाम को कह रही है कि श्योर नहीं है आते गलत है ना अप्सरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी के बारे में नहीं सोचा उसने ना हमारे बारे में
ना तेरे बारे में। बत्रा साहब ऐसा करेंगे ये किसने सोचा था, हैं भटक जाते हैं कभी कभी बच्चे। और ये बत्रा साहब कम से कम मिल तो लेते एक बार, इतना तो बनता है, हैं अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। अब पुत्र एक बात बता, सर उसने पहले कभी बोला कि वो शोर नहीं है, या तूने तो कुछ नहीं कहा ना सच्ची? भरोसा कहाँ है आजकल की जनरेशन का, तो नहीं सोचते क्या है, करते क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में कुछ नहीं पता। सर तू अपना दिल छोटा ना कर, हैं ऊपर वाला सब संभाल लेगा, हम दोनों है ना हम संभाल लेंगे सब। हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे टेंशन ना ले मेरे बच्चा, टेंशन ना ले। हाय सर। हाय सर, आपकी एंगेजमेंट टूटने का पता चला, सुन के बहुत बुरा लगा। बट अब क्या कर सकते हैं, आपको तो पता ही है ना। अब मेरे बॉयफ्रेंड को देख लो, उसने भी तो ऐसा ही किया। आप अपना मूड नहीं ऑफ करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। गेट ओवर। एक काम करते हैं, इस वीकेंड डिनर पे चलते हैं, आई एम श्योर यू विल फील बेटर। अब मेरे लेक्चर का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ, बाय। वाइन और लो ना, चीयर्स। आपकी एक्स फियांसे है ना? Sorry to disturb you guys. वो आज मेरा बर्थडे है, so. So sweet. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. How are you? I'm good. Anyways, enjoy your dinner. Bye. वियर्ड है ना, आई मीन चलो छोड़ो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। अप्सरा मुझे नहीं पता था कि इस सब के बाद तुम मुझसे इतने अच्छे से बात करोगी। बुरी तरह बात करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है चमन, कभी तो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, ताकि फिर दोबारा किसी और के प्रेशर में आके तुम्हें कोई डिसीजन ना लेना पड़े, फिर दोबारा अपने आप को लेकर तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। Anyways, take care.
आप सैटरडे को मेरे घर आओगे? आपको मम्मी पापा से मिलवा दूं। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ आप ना वो अपना हेयर पैच पहन के आना, बड़ा सूट करता है आपको, बड़े यंग लगते हो। दिल ढूंढता क्या फिरे ओ बंदिया, दिल मांगता क्या फिरे ओ बंदिया, दिल ढूंढता क्या फिरे ओ बंदिया, दिल मांगता क्या फिरे ओ बंदिया। चाहत की चाहत नहीं क्या ये है सही, तेरी खुशी हुई अजनबी रे बंदिया। ओ बंदिया ओ बंदिया ठहर जा बंदिया, ओ बंदिया ओ बंदिया ठहर जा बंदिया। जो मिला क्यों नहीं है काफी, भाग के क्या मिले। खाना खा लिया भाई? हाँ शांति, मैंने बोला ना मैंने खा। अच्छा मैं फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है सर? हाँ राज भाई। सर कल मेरी शादी की सालगिरह है, वैसे तो ज्यादा कुछ मनाते नहीं हम, पर सोचा घर पे डिनर करते हैं साथ में। आप आएंगे सर? जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, मैं एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ आपको। भटके मुसाफिर ओ परिंदे लौट आ, दुखता है दिल मेरा और ना तू दुखा। दिल की किवाड़े बंदिया, खोए के बारे बंदिया, तुझको पुकारे बंदिया डाल दीजिए ना सर। अरे नहीं नहीं राज भाई, बस इतना सर। थैंक यू बाबूजी, बहुत अच्छा खाना है। आप भी खा रही हैं? अभी नहीं सर। खा लीजिए, ये बाद में खाएगी सर। आप नाराज है क्या किसी बात से? अरे नहीं सर,
वो ये बात नहीं कर सकती ना. मतलब बोल नहीं सकती ये सब. पर फोन पे तो. फोन पे तो सिर्फ मैं ही बोलता हूँ सर. ये बस सुनती है. इसके बिना बोले ही मैं सब सुन लेता हूँ. मुझे पता होता है कि ये क्या पूछेगी, तो मैं अंदाजा लगा के जवाब दे देता हूँ. प्यार करता हूँ सर, बहुत प्यार. और सिर्फ इसकी अच्छाइयों से ही नहीं, खामियों से भी. ये भी मेरी खामियों की लंबी लिस्ट बना सकती है, पूछिए इससे. फिर भी ये मुझसे बहुत प्यार करती है. बस यही हमारी लाइफ है सर. याद है आपने एक दिन कहा था कि हम परफेक्ट जोड़ी हैं. अब क्या लगता है सर आपको? कितना अजीब है ना सर, दिलों की बात करता है जमाना, पर मोहब्बत आज भी चेहरों से शुरू होती है. सर, सर आप कंफर्टेबल तो हैं ना? क्योंकि ना हमारा घर थोड़ा छोटा है तो. छोटा नहीं है राज भाई. सर खीर तो लीजिए. ओ टकले, ओ जड़े चमन, एक बार फिर से बोलना. अरे बोलना, डर क्यों रहा है? टकला, गंजा, चांडला, खलवट या फिर उजड़ा चमन, हिंदी में बिना बाल वाले को यही कहते हैं ना. तो तूने कुछ गलत नहीं कहा है? ये सफेद दीवार को सफेद और ये हरे बोर्ड को हरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रॉब्लम टकला बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम टकला सुन के चिढ़ने में. प्रॉब्लम मुझ में. और ये कहां लिखा है कि गोरा अच्छा होता है और काला बुरा? बालों वाला हैंडसम होता है और गंजा बदसूरत होता है. मोटे पे हंसा जाता है और पतले पे नहीं. ये कहां लिखा है? हमने बनाया, हमारी सोसाइटी ने बनाया. हमने बताया सबको कि ये अच्छा है और ये बुरा, किस पे मजाक उड़ाना चाहिए और किस पे नहीं. हमने सिखाया है कि वो टकला, वो गंजा, वो छोटा, नाटा, काला. हंसो और मजाक उड़ाओ. और सुनने वालों ने भी सीख लिया है कि पहले बुरा मानो और फिर अपने आप को बदलो. क्यों बदलो? क्योंकि फिर तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ पाए, फिर तुम्हें कोई चिढ़ाए ना. दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने जो मेरे साथ किया, मैंने भी किसी के साथ किया. मैंने भी उसका मजाक बनाया, उसको चिढ़ाया, उसके साथ बैड बिहेव किया. मैंने भी उसके लुक्स पे जज किया, वो लुक्स जिसको भगवान ने या कुदरत की देन कह लो, साइंस में जिसको जीन्स कहते हैं, जिस पे किसी भी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं है.
तो आज से जिसका जो मन करे, जब मन करे मुझे कुछ भी कह सकता है। टकला, गंजा, उजड़ा चमन, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपका अपना टकला हिंदी टीचर। ये तुम्हें पहली बार देख के मन में मोटी बोलने के लिए सॉरी। ये तुम्हारी मैगी खत्म करने से पहले वहां से उठने के लिए सॉरी। ये फेसबुक से अपनी पिक्चर डिलीट करवाने के लिए सॉरी। ये मेरे बहुत बड़े गधे होने के लिए सॉरी। ये तुम्हें फील करवाने के लिए कि तुम्हें कुछ कमी है। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं पर आई लव यू। मेट्रो तक छोड़ सकते हो। एक सेकेंड ना। बाय द वे तुम वेट मत लूज करना, ऐसे ही क्यूट लगती हो। तुम भी ट्रांसप्लांट मत करवाना, ऐसे ही हॉट लगते हो। तुम दोनों मिले कहाँ थे? टिंडर क्या होता है? ਚਪਾਇਆ ਮਸਕਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਸਕਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂੜੀ ਚਾੜੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਣੀ ਚਾੜੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੇਰੀ 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 ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ
गुच्ची ते पराडा वाले हो गए तेरे फैन तेनू अपनी बनाना तेनू ब्रांड सारे कहनी गुच्ची ते पराडा वाले हो गए तेरे फैन अपनी बनाना तेनू ब्रांड सारे कहनी बच्चा बच्चा लाइना मारे आउटफिट